तो दोस्तों रॉयल एनफील्ड कंपनी का एक और बाइक का जो है ना तो वो लगभग कर दिया गया है भाई। मतलब जैसे कि देख ही सकते होंगे अभी होंडा कंपनी की तरफ से एक न्यू बाइक का जो पेटेंट है ना तो वो सामने आया है। और वैसे तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते होंगे कि होंडा कंपनी का ये जो न्यू पेटेंटेड एक बाइक है ना तो इसके अंदर जैसे कि देख ही सकते होंगे देखने में इसका जो डिजाइन है तो ये होंडा 350 से इंस्पायर्ड तो ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे। बाकी हाँ ये भी जो मॉडल अभी आएगा ना होंडा कंपनी की तरफ से तो इसका भी नाम CB350 करके ही ऐसा कुछ होगा, लेकिन 350 के बाद कुछ लिख दिया होगा। हाँ जो भी है, लेकिन इस वाले मॉडल के बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्म 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 ब्लॉग्स, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों बस यही कुछ देखने को मिला है कि जब कोई भी कंपनी का जो मॉडल जब नहीं चलता है ना तब दूसरे कंपनी का जो है तो वो कॉपी करने में भाई कोई भी कसर नहीं छोड़ता है कोई भी एक कंपनी। तो जो भी है, लेकिन होंडा कंपनी की तरफ से उनका ही एक और न्यू बाइक का जो पेटेंट है ना तो वो आपके सामने है जैसे कि देख ही सकते होंगे। और बाकी तो यही कुछ सीन है कि ये जो बाइक है ना तो इसके अंदर आपको सबसे पहले बात तो देखने को मिल रहा है जो लुक्स, तो वो तो मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये जो होंडा 350 है ना तो उससे ही कुछ इंस्पायर्ड सा है। वैसे भी ये जो बाइक अभी जो न्यू आने वाला है ना होंडा कंपनी की तरफ से और इसका जो पेटेंट अभी सामने आया है तो इसके भी अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलेगा तो ये एक 350cc वाला ही इंजन होगा, जो कि भाई अभी बोला जा रहा है कि भाई 21 BHP का जो मैक्सिमम पावर और उसके ही साथ साथ जो टॉर्क है तो वो भी 30 Nm का प्रोड्यूस करने वाला है विथ 5th speed वाला गियर बॉक्स। बाकी तो ये जो इंजन है तो ये भी एक 350cc वाला सिंगल सिलेंडर एयर कूल वाला इंजन होने वाला है। और इसके अलावा ये भी कुछ सीन है कि होंडा कंपनी की तरफ से इनका जो एक न्यू बाइक आएगा ना, मतलब जिसका पेटेंट अभी आपके सामने है, तो इस पर बाइक के भी अंदर आपको जैसे ही देखने को मिल रहा है सामने जो है तो वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे कॉइल वाला हाइड्रोलिक शॉक्स और उसके ही साथ साथ ब्रेकिंग सिस्टम में भी इस पर बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा डिस्क ब्रेक के साथ में डुअल चैनल ABS का ऑप्शन। बाकी दोस्तों ये जो पेटेंटेड वाला बाइक है ना तो इसके अंदर आपको जो लाइट्स का सेटअप देखने को मिलेगा तो ये भी एक LED लाइट्स का ही अंदर अंदर है, जिसके अंदर आपको हैजर्ड लाइट वाला जो ऑप्शन है ना तो वो भी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि देने वाला है होंडा कंपनी। बाकी यहाँ जो मीटर कंसोल है तो उसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है इसी न्यू वाले बाइक में जो ऑडोमीटर टिप मीटर, और इसके अलावा ये भी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी है तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। तो ऐसा ही कुछ सीन है भाई होंडा की ही एक न्यू बाइक का, जो कि भाई CB350 के ही कुछ मतलब जो नाम है ना तो उसके ही साथ में आएगा। बाकी नाम अभी भाई क्लियर नहीं है कि इस पर बाइक का क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियो हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।